नाउ चेक फॉर बी कॉमा ए क्लियरली बी कॉमा ए इंप्लाइज दैट मॉड बी माइनस ए मॉड बी माइनस ए है तो मॉड बी माइनस ए भी तो 4k के इक्वल होगा ना, है ना, क्योंकि अगर मैं मान लीजिए 1 माइनस 9 करता हूँ तो भी 80 आएगा मॉड 1 माइनस 9, और 9 माइनस 1 का मॉड करता हूँ तो भी 80 आएगा, तो 4 का मल्टीपल होगा तो इज इक्वल टू 4k. सो आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक. अब ट्रांजिटिविटी के लिए देख रही हूँ, ट्रांजिटिविटी में देखिएगा, इफ ए कॉमा बी, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इट इंप्लाइज दैट माइनस मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू 4k, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इट इंप्लाइज दैट मॉड बी माइनस सी इज इक्वल टू 4l. ये भी 4 का मल्टीपल होगा, मॉड बी माइनस सी, तो एक को 4k मान लिया तो एक को 4l मान लिया, ठीक है. अब मुझे ये देखना है कि a माइनस सी भी 4 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा, तो कैसे लिखेंगे. ये मॉडुलस होता है, मॉडुलस का रिजल्ट, और खास तौर पर मॉडुलस के अंदर जब हमारे पास दो अननोन टर्म्स आ रहे होते हैं, ठीक है, मॉडुलस के अंदर अगर अननोन टर्म्स आ रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि वो नेगेटिव भी आता है रिजल्ट और पॉजिटिव भी आता है, ठीक है. ये चीज़ मालूम है, ये चीज़ मालूम है. तो हम यहाँ पर ना एक काम करेंगे कि मॉड ए माइनस बी यहाँ से लिखेंगे, ए माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4k, बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4l, ठीक है. ये समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो मैं बता देता हूँ. आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए ए को मैंने 1 ले लिया और बी को मान लीजिए मैंने 9 ले लिया, तो 1 माइनस 9 करेंगे, 1 माइनस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8, ठीक है, यानी कि -4k आ गया, ठीक है. और अगर मान लीजिए ए को हमने 9 ले लिया और बी को हमने 1 ले लिया, तो 9 माइनस 1 तो वो प्लस का 8 आ जाएगा, यानी कि +4k. अंदर वाले जो टर्म हैं उनका डिफरेंस जो है वो 4 का नेगेटिव मल्टीपल भी आ सकता है, पॉजिटिव मल्टीपल भी आ सकता है, ठीक है ना. लेकिन हमने मॉड लगा दिया तो इस वजह से रिजल्ट में हमने यहाँ पर 4k ही लिखा था, प्लस माइनस नहीं लिखा था, ठीक है. अब मैं मॉड हटा रहा हूँ तो मैं प्लस माइनस लिखूँगा, मुझे लगता समझ में आ गया होगा, ठीक है. अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे कि ए माइनस बी है और बी माइनस सी है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. अब यहाँ पर 4 अलग अलग केसेस बन जाएंगे. तो वो 4 अलग अलग केसेस कैसे आप करेंगे, आप इक्वेशन 1 और 2 को आपको ऐड करना है. जो भी रिलेट करना है ना, मतलब x की वैल्यू बन लेंगे, मतलब a की वैल्यू बन लेंगे और देखते जाएंगे कि b की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, ठीक है. अच्छा, नेगेटिव क्यों जा रहे हैं, नेगेटिव इस वजह से जा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए a हो गया मेरे पास 0,4, तो a क्या हो गया 0 और b क्या हो गया 4, ठीक है. मेरे को जब a माइनस बी करना है, a माइनस बी रिजल्ट तो हमारा -4 आएगा ना, माइनस आएगा ना, इस वजह से मैं माइनस वाले की वैल्यू ले रहा हूँ कि अगर मैंने मॉड हटा दिया तो रिजल्ट तो नेगेटिव में आएगा, ठीक है. ये कर रहे हैं, समझ गया. दोबारा बताऊँ, दोबारा सुनिएगा. हम ये जानते हैं कि जो मॉड एक्स होता है ना, मॉड एक्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 और प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसका मतलब मॉड एक्स का जो रिजल्ट है वो माइनस एक्स भी आता है और प्लस एक्स भी आता है ना. हमारे लिए हमको जो आउटपुट में दिखाई देता है, जो आउटपुट हमको मिलता है वो पॉजिटिव मिलता है. वो पॉजिटिव मिलता कैसे है वो सोचिएगा कि अगर मान लीजिए एक्स लेस देन 0 है, ठीक है, इफ अगर एक्स लेस देन 0 है तो कोई भी आप लेस देन 0 वाली टर्म अज्यूम कर लीजिए. इफ एक्स इज इक्वल टू -3 तो
मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा अगर x less than 0 है तो mod x को कैसे डिफाइन करते हैं माइनस ऑफ x ठीक है देन माइनस ऑफ माइनस 3 x क्या है माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 3 तो ये बन जाएगा इस तरह से बन जाएगा प्लस 3 और अगर x हमारा पॉजिटिव ही है तो पॉजिटिव ही है तो वो फिर पॉजिटिव ही आएगा रिजल्ट तो पॉजिटिव अगर mod x अगर पॉजिटिव है x वाली टर्म अगर अंदर वाली टर्म mod के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव है तो रिजल्ट हमें सीधा पॉजिटिव मिलेगा तो इसका मतलब क्या है कि रिजल्ट आ तो रहा है नेगेटिव लेकिन वो किसके लिए नेगेटिव होता है जो टर्म लेस देन जीरो होती है तो वो उसको नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बना देता है अब जब मेरे पास अननोन है जब मेरे पास अननोन है ए भी अननोन है बी भी अननोन है तो जब दोनों के दोनों अननोन है तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी मेरे लिए अननोन है तो वो डिफरेंस अगर मान लीजिए छोटा आ रहा है डिफरेंस अगर जीरो से छोटा आ रहा है तो माइनस साइन प्रिवेल करेगा माइनस साइन हेल्प करेगा वहाँ पर माइनस उस माइनस को पॉजिटिव कर देगा है ना और अगर डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस बोल के ठीक है तो सीधा सीधा बस ये याद रखिए कि अगर मेरे को मॉड एक्स इज इक्वल टू समथिंग दे रखा है तो मैं एक्स अगर मेरे को मॉड हटा देना है मॉड एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए 4 दे रखा है तो मैं एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 लिखूंगा कि एक्स की वैल्यू प्लस 4 भी हो सकती है माइनस 4 भी हो सकती है तभी तो रिजल्ट में मेरे को प्लस का 4 मिल रहा है मेरी बात समझ गए नहीं ठीक है तो ए माइनस बी प्लस माइनस 4 के हो गया और बी माइनस सी प्लस माइनस 4 एल हो गया ठीक है ये भी डालो मैं साथ पहले वाले टर्म को प्लस 4 के ले लो इसको सॉरी ओके नहीं 4l ये 4k प्लस l हो गया अगले वाले केस में उसको माइनस 4l ले लिया माइनस भी प्लस भी कर दिया e माइनस c इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लिया e माइनस l थर्ड केस देखिए a माइनस b प्लस b माइनस c ठीक अब क्या करेंगे अब इसको माइनस 4k ले लो और उसको प्लस 4l ले लो ठीक है माइनस भी प्लस भी कर दिया तो ये a माइनस c आ गया a माइनस c इज इक्वल टू माइनस 4 कॉमन ले लिया ब्रैकेट में क्या बचा k माइनस l अब फोर्थ केस ले लो फोर्थ केस में भी वही a माइनस b प्लस b माइनस c इस बार इसको माइनस 4k ले लिया और इसको माइनस 4l ले लिया ठीक है तो माइनस भी प्लस भी कैंसिल आउट हो गया तो a माइनस c इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया ब्रैकेट में आ गया k प्लस l ठीक है तो आप ये देखेंगे a माइनस c की दो वैल्यूज आ रही है a माइनस c की वैल्यू या तो आ रही है 4 इंटू k प्लस l या फिर माइनस 4 इंटू k प्लस l या 4 इंटू k माइनस l या माइनस 4 इंटू k माइनस l ठीक है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम ये कहेंगे a माइनस c इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 k प्लस एल और प्लस माइनस 4 k माइनस ठीक है इन बोथ का केसेस इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4 तो इसको कैसे लिखेंगे हम इसको ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस जो है प्लस माइनस को कैसे लिखेंगे प्लस माइनस हटाना है क्या हो जाएगा मॉड ए माइनस सी इज इक्वल टू 4 प्लस एल प्लस माइनस हटा दिया ठीक है और मॉड ए माइनस सी इज इक्वल टू 4 के माइनस प्लस माइनस साइन हटाने के लिए यही करते हैं ना भाई मॉड हटाया तो प्लस माइनस हटाया तो मॉड आया ठीक है ये हो गया हमने ये कहा कि बोथ द केसेस इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4 R is transitive. R is transitive. Therefore, R is reflexive. Therefore, R is reflexive.
that's it. Or is अब ये अगला देखते हैं और जरा ये भी देखते हैं इसमें कि रिलेटेड टू वन वाले कौन से होंगे, ठीक है? तो रिलेटेड टू वन वाले कैसे निकलेंगे? आप ए की वैल्यू वन ले लो और देखते जाओ बी की वैल्यू क्या आएंगी, ठीक है? मैं एक मिनट में आया Find the set of all elements related to one in each case. Set of elements
is set है तो set को curly bracket से लिखेंगे ऐसे 159 बस सीधा ऐसे लिखो ठीक है ना समझ गए होंगे yes sir चलिए जो second part देखिएगा इसका तो कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा पानी पी लो जोश आ रहा है चलिए अगला देखिएगा r is equal to a comma b such that a is equal to b such that a is equal to b जाएगा वही जाएगा इसको तो छोड़ दो a is equal to b reflexivity के लिए करेंगे तो a is equal to a हाँ a is equal to a तो है ही ना symmetry के लिए a is equal to b है मतलब पहला element दूसरे का तो b तो a के equal है और transitivity के लिए एक तीसरा element ले आते हैं c कि a b के equal है तो b c के equal है तो a c के equal है ठीक है उसमें वो बोल रहे हैं find the set of all elements related to one in each case तो दूसरे में क्या होगा one नहीं होगा बस तो one अच्छा तो question number 10 जो है question number 10 छोड़ दीजिए ये question कभी paper में नहीं आता given example of a relation given example of a relation तो relation आपको ऐसे relation का example देना है जो symmetric है लेकिन reflexive भी नहीं है और transitive भी नहीं है ये question number 6 अपना क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है मेरे अरे नहीं पहले पार्ट का आंसर क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है अच्छा ही अरे भाई ठीक है तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए पेपर भी अगर आपका बोर्ड का बनता है या स्कूल का पेपर बनता है तो वो टीचर क्यों नहीं देंगे क्योंकि हर बच्चा अलग कहानी लिखेगा उसमें हर बच्चा अलग एग्जाम टीचर का दिमाग घूम जाना उसमें गुस्सा और आ जाएगा तो वो नहीं देते ऐसा कुछ गलती कर दी क्या ज्यादा चार्ज हो गया चलिए क्वेश्चन नंबर 11 शो दैट द रिलेशन रिलेशन R का सिर्फ A और B है, जीवन भाई, बहुत सॉरी, R is equal to, इस बार के रिलेशन में रखा है R is equal to P comma Q, तो जरूरी नहीं है कि ये रखा है P comma B में, इस बार कैपिटल P comma कैपिटल Q दे दो, अब इसको कैसे इन्होंने डिफाइन करा है रिलेशन क्या है दोनों के बीच में P और Q के बीच में distance of the points P from the origin distance of the point P from the origin is same as the distance of the distance of the point Q from the origin ठीक है तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये relation ऐसा है distance of the point P from the origin तो point P का जो origin से distance है point Q का भी origin से वही distance है मतलब OP is equal to OQ OP is equal to OQ ये रिलेशन हो गया ठीक है तो यहाँ पर आप लिख लीजिए दैट इज OP is equal to OQ we prove करना है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू अ पॉइंट P not equal to 0, 0 is the circle passing through P with origin as center. Related to a point P is the circle passing through P with origin as center. देखिएगा सबसे पहले मुझे ये शो करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो रिफ्लेक्सिविटी वैसे ये क्वेश्चन आएगा तो कितना नंबर आएगा क्वेश्चन में इसका मैंने बताया था तीन नंबर फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अच्छा ये छोड़ें पहले इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना तो रिफ्लेक्सिविटी जो है रिफ्लेक्सिविटी में क्या करना पड़ेगा P कॉमा P चेक फॉर P कॉमा P
ठीक है, इट इंप्लाइज दैट OB इज इक्वल टू OP, ठीक है, OB डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन, OB इज इक्वल टू OP हो गई। हमने रिलेशन को ऐसे बना लिया, ऐसे डिफाइन कर लिया OB इज इक्वल टू OP, यहां P कौन सा पहला पॉइंट, Q कौन सा दूसरा पॉइंट, तो OB इज इक्वल टू OP, तो यस R is, so R is reflexive. R is reflexive. ठीक है जी, ये तो हो गया reflexivity. रिफ्लेक्सिबिलिटी के बाद अगला देखेंगे सिमेट्री, सिमेट्री सिमेट्री तो क्या करेंगे, इफ पी क्यू बिलोंग्स टू आर, इट इंप्लाइज दैट ओपी इज इक्वल टू ओक्यू, है ना, रिलेशन यही था ओपी इज इक्वल टू ओक्यू, तो इफ पी क्यू बिलोंग्स टू आर, ठीक है, क्लियरली लिखा हुआ होता है तो उसको देख कर कई बार, लैंग्वेज देख कर कई बार घबरा जाते हैं, आप उसको थोड़ा लाइट ले लेना, आराम से आ जाएगा समझ, ठीक है, ऐसे ही देखिए ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी में हम बोलेंगे इफ पी क्यू बिलोंग्स टू आर, इट इंप्लाइज दैट ओपी इज इक्वल टू ओके, इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दो, एंड क्यू एस आर इस वजह से नहीं ले रहा हूँ, पी क्यू के बाद आर ही आते हैं क्योंकि आर तो रिलेशन को सिग्निफाई करता है, तो क्यू एस बिलोंग्स टू आर, इट इंप्लाइज दैट ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस, इक्वेशन टू ओ पी ओ क्यू के इक्वल ओ क्यू एस के इक्वल, तो ओ पी ओ एस के इक्वल फ्रॉम वन एंड टू, OP is equal to OS, it implies that P, S belongs to R. So R is transitive. Therefore, R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. अच्छा जी, अब जरा आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है इसमें, further show that the set of all points related to a point P, set of all points related to a point P, तो point P से relate करने वाले जितने भी points हैं, जितने भी points हैं, हम ये कहेंगे let not equal to 0, 0, उसकी बात मैं अभी करूंगा, अभी let the set of all points related to, let the set of all points related to a point P be set, सेट का मतलब क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है, मैंने ऐसे लिख दिया ए बी सी डी, बस कोई चार पॉइंट्स ले लिए मैंने, कोई चार पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, अच्छा लेट सॉरी फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट पी, और क्या दे रखा है कि नॉट इक्वल टू 0, 0, 0, 0 का मतलब क्या है कि आप पी को जीरो नहीं लेते,
आप पी को जीरो नहीं लेंगे, पी कोई पॉइंट है ना, पी कोई पॉइंट है, तो जब वो पॉइंट है तो पॉइंट का क्या होगा, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो आप ये क्या, उन्होंने ये बोला कि ये जो पॉइंट पी है ना, इसको आप ओरिजिन नहीं मानोगे, इसको आप जीरो कॉमा जीरो नहीं मानोगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर, इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद ओरिजिन एज सेंटर। अब मेरी बात सुनना, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट पी, तो ये पॉइंट पी से रिलेट कर रहे हैं सारे के सारे, जो ये जो पूरा का पूरा सेट है ना, इसमें आपका मन करे आप 10 ले लो पॉइंट, ठीक है, हमने सिंपलिसिटी के लिए 4 पॉइंट्स ले लिए। तो हम ये कहेंगे कि एज पर क्वेश्चन आर इज इक्वल टू, आर जो रिलेशन है वो क्या है, उसमें पी जो है वो इन सबसे रिलेट कर रहा है, तो पी ए से भी रिलेट कर रहा है, पी बी से भी रिलेट कर रहा है, पी सी से भी रिलेट कर रहा है, और पी डी से भी रिलेट कर रहा है, ठीक है। ये ए बी सी डी क्या है, ये ए बी सी डी पॉइंट है, मेरी बात समझ गया। पी भी क्या है, पॉइंट है, पॉइंट उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि वो पॉइंट आप ओरिजिन नहीं लेंगे, पॉइंट पी को आप ओरिजिन नहीं लेंगे, ओरिजिन मतलब जीरो जीरो नहीं लेंगे। अच्छा, तो पी ए के साथ रिलेट कर रहा है, तो हम ये कहेंगे पी ए इम्प्लाइज दैट जब पी क्यू था तो पी क्यू क्या इम्प्लाई करता था, कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द ओरिजिन। जब पी और क्यू रिलेट कर रहे थे तो जो पी का डिस्टेंस था ओरिजिन से, ठीक है, क्यू का भी डिस्टेंस वही था ओरिजिन से, तो उसको मैंने ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू लिख दिया था। तो यहाँ क्या बोलूँगा, ओ पी इज इक्वल टू ओ ए, ऐसे पी बी को क्या लिखेंगे, ओ पी इज इक्वल टू ओ बी, ऐसे ही पी सी को क्या लिखेंगे, ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, ऐसे ही पी डी को क्या लिखेंगे, ओ पी इज इक्वल टू ओ डी। इक्वेशन वन और टू तो मैं ले चुका था, इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 और 6, ठीक है, इक्वेशन 3, 4, 5, 6। अब आप क्या करें, ये जो ओ है इसमें, ये ओ क्या सिग्निफाई कर रहा है, ओरिजिन, ओरिजिन को सिग्निफाई कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डायग्राम बनाकर दिखा देंगे। इक्वेशन नंबर 3, 4, 5, 6 से मुझे ये पता चल रहा है कि ओ पी ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ये सारे के सारे सेम डिस्टेंस हैं। अच्छा, ओ क्या है, ओरिजिन, तो इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हो गए, जब तो सारे इक्वल ही हैं तो ये सारा रेडियस नहीं हो गया क्या, ये सारा रेडियस हो गया, और इन सारे रेडियस के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, बस हो गया। हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो तो हो गया हमारा ओरिजिन, ठीक है, यहाँ पहले लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 3, 4, 5 and 6, ओ पी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है, यहाँ लगा दो पॉइंट पी, यहाँ लगा दो पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट डी, इधर पॉइंट सी, इधर पॉइंट डी, तो सबका डिस्टेंस सेम है, ओ पी ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी सब सेम है, तो सबको आप ज्वाइन करते चले जाइए, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा क्लियरली द लोकस ऑफ All points for a circle, for a circle. ठीक है, ये प्रूव करना था, ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी फॉर अ सर्कल, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पी। अच्छा, सर्कल क्यों नहीं बनेगा, तो उन्होंने बोला था कि जीरो जीरो नहीं लेना है, पी को अगर जीरो जीरो ले लोगे तो भाई पी तो ओरिजिन पर ही आ जाएगा, वो भी ओरिजिन है, पी भी ओरिजिन पर ही है, तो फिर सर्कल कहाँ बनेगा, कुछ नहीं, तो डॉट बन गया बस एक छोटा सा, इसलिए उन्होंने बना था। ठीक है जी, सवाल बताया ना 3 नंबर को, चलिए जी अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट पी ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। अब जो ये लास्ट वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16, बस ये वाले क्वेश्चन ये आप समझ लीजिए, तो बस सबसे ज़्यादा सोचने वाले ये क्वेश्चन चल रहे हैं, और कुछ है नहीं इसमें रिलेशन में, आपको अब तक समझ में आ ही गया होगा,
इसके बाद जो अगला आपको टॉपिक करना है वो टाइप्स ऑफ फंक्शंस है। तो जैसे रिलेशन के तो फिर भी तीन टाइप्स थे, फंक्शन के दो ही टाइप्स हैं। ध्यान से समझोगे तो कुछ भी खास नहीं है, मतलब खास है। एक तो वन वन ऑन टू है ना, और एक आपका मैनी वन इन टू, ये उनका कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है। तो वन वन हो गया और मैनी वन हो गया। वन वन में क्या है कि एक एलिमेंट एक से रिलेट करे, मैनी वन उसका उल्टा, तो वो एक तरीके का हमने मान लिया है ना। और दूसरे टाइप का हो गया ऑन टू, ऑन टू मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना बचे कोर में, और इन टू में जो बच जाता है। इसके दो टाइप के मैंने बचे, पेपर में कॉम्बिनेशन ही पूछा जाएगा, तो दो ही है। अरे किसी का भी कुछ भी आ जाता है, चिंता ना करो, जब इंटीग्रेशन करोगे ना सब आसान देखने लगेगा। तो दुनिया से जाना आसान शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज आर इज इक्वल टू, देखिए अब रिलेशन क्या है, क्योंकि T1 खुद के ही सिमिलर होगा, मुझे पता है T1 अगर T2 के सिमिलर है तो T2 भी T1 के सिमिलर होगा, T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, तो T1 और T3 के सिमिलर होंगे, और ये रिलेशन यानी कि इक्विवेलेंस हो गया। आगे का क्वेश्चन देखिए, अगला इंपॉर्टेंट जो है वो कह रहे हैं कंसीडर थ्री राइट एंगल ट्रायंगल्स T1 3 4 5। पाइथागोरियन ट्रिपलेट है बड़ी फेमस, 3 4 5, ठीक है 5 हो गया हाइपोटेन्यूज, 3 4 हो गया बेस पर, 5 12 13 और 6 8 10 तीनों ही बड़ी फेमस है। अच्छा विच ट्राइंगल्स अमंग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड, इन तीनों में क्लियरली द लोकस, लोकस मतलब पार रास्ता। हाँ जी, अब वो कह रहे हैं विच ट्राइंगल्स अमंग T1 T2 एंड T3 आर रिलेटेड, आर रिलेटेड, रिलेटेड का मतलब ये है रिलेशन ये होना चाहिए R, मतलब वो T1 T2 और T3 में कौन कौन से ट्राइंगल जो है वो रिलेट कर रहे हैं, रिलेट करने का मतलब कौन कौन से ट्राइंगल चाहिए था ये बताना, और तीनों ही ट्राइंगल क्या दे रखे हैं, राइट ट्राइंगल दे रखे हैं। तो अब बस ये छोटी सी चीज़ है, 12th क्लास में आप आ गए तो 10th का भूल जाते हैं, तो इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन है नहीं। देखिए क्या होता है कि जैसे हमने एक ट्राइंगल ये बना लिया, एक ट्राइंगल ये बना लिया, ठीक, तो हमारे पास टोटल तीन ट्राइंगल्स आ गए, तो एक ट्राइंगल की और तीनों राइट ट्राइंगल्स हैं, इन्होंने बोला राइट ट्राइंगल्स है। बातें करते हैं, देख लो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बारे में, 3 4 5, फिर देखिए 5 12 और 13, फिर देखिए 6 8 और 10, ये 6 हो गया 8 हो गया और ये हो गया हमारा 10, ठीक है। तो सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसमें ना, सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमने दिया 3 4 5, तो मैं आगे देखिए जो पहला वाला टर्म जो दे रखा है, जो पहला वाला जो इन्होंने लेंथ दे रखी है, मैं उसको परपेंडिकुलरली लेकर चला हूँ। फिर उन्होंने दिया 5 12 13, तो मैं उसको यहाँ परपेंडिकुलर वाली साइड पर ही लिख रहा हूँ, 5 12 13, पलट कर भी लिख दोगे तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन लिखना सीक्वेंस में 6 8 10। तो 6 छोटा नंबर यहाँ, बड़ा नंबर यहाँ, और सबसे बड़ा तो हाइपोटेन्यूज होता ही, तो फिक्स है। तो वो कह रहे हैं विच ट्राइंगल्स आर रिलेटेड, तो रिलेशन के लिए ये होता है कि रेशो किनका इक्वल है। तो ये बन जाएगा देखिए 3 अपॉन 5, ठीक है, और ये बन जाएगा 4 अपॉन 12 हो गया 1 upon 3, तो 3 upon 5 4 upon 12 के तो इक्वल नहीं है, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस अगर हो जाएगा तो T1 T2 सिमिलर हो जाएंगे। तो मुझे कौन सा नजर आ रहा है, T1 और T3 रिलेट कर रहा है,
ये ट्राइंगल टी वन है, ये ट्राइंगल टी टू है और ये ट्राइंगल टी थ्री है. तो आपको दिखाई देगा 3 × 6 = 4 × 8 × 5 = 10, तो तीनों का रेशियो इक्वल है. ठीक है, तो आप इसको बोल दो ऐसे ए बी सी, हमें दिखाना पड़ेगा ना, तो दिखाने के लिए आपको ये लेना पड़ेगा ए बी सी डी एन का एल सिमिलैरिटी सीबीसीटी तो यहाँ पर मुझे कहेंगे कि AB upon GH is equal to BC upon HI is equal to AC upon GI that is 3/6. यहाँ पर लिख देना is equal to 1/2 3/6 और 5/10 is equal to 1/2. So T1 is similar to T3. ठीक है, that is T1 and T3 are related. T1 and T3 are related. ठीक है, तो ये ऐसे ना ऐसे लंबा सा क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, उसमें सोचना पड़ेगा कि ना जाने क्या है, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन है. ठीक, तो इसमें कई बार ऐसा होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि पहली बार आप देखेंगे तो नहीं आएगा सब. ठीक है, लगेगा कि ना जाने क्या क्या पूछा जा रहा है, ढंग से पढ़ो, दोबारा पढ़ो, आएगा सब. ठीक है, अगला देखो जरा क्वेश्चन नंबर 13 है. शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड द सेट ए ऑफ फोर पॉलीगंस एंड आर इज इक्वल टू P1, P2. P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन. सर सिमिलर ट्रायंगल के एंगल इक्वल होते हैं ना, सिमिलर ट्रायंगल के एंगल इक्वल होते हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं, एंगल इक्वल होते हैं. बहुत अच्छी चीज पूछी है, एंगल आ जाए पर एंगल बड़ा आसान बन जाएगा, क्योंकि एंगल अगर इक्वल आ गए तो बच्चा देखते ही बता देगा कि हाँ इक्वल है, तो एंगल वाला नहीं आएगा, साइड वाला ही है. और कॉन्ग्रुएंट तो भूल ही जाओ, कॉन्ग्रुएंट तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में तो साइड्स भी इक्वल होती हैं. यहाँ कम से कम रेशियो निकालना तो पड़ रहा है, सोचना तो पड़ रहा है. ये बोल रहे हैं शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगंस आर इज इक्वल टू P1, P2 such that P1 and P2 have same number of sides. Is an equivalence relation. Is an equivalence relation. ये तो इक्विवेलेंस तो आप कर ही लेते P1, P1, P1 यानी कि P1 एक पॉलीगन है और P1 खुद ही के, तो खुद की तो खुद के इक्वल होंगे ना नंबर ऑफ साइड्स, तो सही है. P1 इज इक्वल टू P1 और P2 यानी कि P1 की जो नंबर ऑफ साइड्स है और P2 की नंबर ऑफ साइड्स है, अगर वो इक्वल है तो P2 की साइड्स है वो भी P1 के इक्वल होंगी, ऐसे ही P1, P2, P3 है ना, तो इक्विवेलेंस तो हो जाएगा. आगे की कहानी देखो जरा, व्हाट इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स इन ए, क्या बोल रहे हैं पहले क्वेश्चन शुरू से पढ़े हैं. शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगंस. तो सेट ए क्या है, ऑल पॉलीगंस. ऑल पॉलीगंस में क्या आ गया, पॉलीगन कहाँ से स्टार्ट होता है, ट्राइंगल से. तो ट्राइंगल हो गया, फिर क्वाड्रिलेटरल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया. तो अब हम ये कहेंगे व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड्स 3, 4, 5. व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए.
कुछ नहीं, नंबर ज्यादा हो छोटा हो बड़ा हो कुछ भी नहीं, तो रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ये बीच में लिखा राइट एंगल ट्रायंगल, बच्चा सोचना नहीं था राइट एंगल है, कुछ होता नहीं, कुछ नहीं है, ट्रायंगल दे दिया, तो आप ये कहेंगे व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तो आप ये कहेंगे सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, यस ई इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, बस ठीक है। और 14, 15, 16 तीन क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, ट्राई करिए, ओके सर, ठीक है जी। लीनियर प्रोग्रामिंग किसी बच्चे ने बताया था उसके टेस्ट में, लीनियर प्रोग्रामिंग कराना है, इनवर्स भी आएगा ना, दोनों दो दो क्लास के हैं, बहुत छोटे छोटे चैप्टर, दोनों ही चैप्टर दो दो क्लास के हैं, इनवर्स वाला जो इनवर्स तो शायद नहीं होगा एक ही क्लास में, अब देखना इनवर्स में भी एक एक्सरसाइज है, एलपीपी में भी एक एक्सरसाइज है, कब है एग्जाम, कब है 6 मई को है ना, करा दूंगा उससे पहले, करा दूंगा, मुझे रिमाइंड करा देना बस।